there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. दारू के चपली कबाब बहुत ज़्यादा रश होता है, रश आप देख रहे हैं। आपको थोड़ा सा लाइव दिखाते हैं दारू के चपली कबाब। और ज़्यादातर पार्सल वाला काम होता है, लोग आते हैं और गाड़ी पार्क करके पार्सल लेके चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया ना, देख किस सा चौबीदार आता है। प्याज और कहते एक एक दो बेंच जो है ना रोज़ाना कट के पूरे निकल जाते हैं, ये अंदाज़ा करने के कितना होता है। अच्छा, टोके के साथ हाथ से ये वाला कीमत जो है ना टोके के साथ हाथ से हुआ है, और ये मशीन वाले, तो मशीन वाला आप देख रहे हैं कलर थोड़ा सा चेंज है इसका, लेकिन ये कह रहे हैं कि हाथ से जो टोके से जो टकाटक वाला स्टाइल होता है उसका टेस्ट भी बड़ा ही डिफरेंट किस्म का होता है। परवेज़ हाजी के साथ ज़रा गपशप करते हैं। हाजी से वो लग रहा तो वो जिदे कितना उससे साचे हुई एकदम सादा कारी सिंपल कारी हां मसाला धनिया वगैरह हां अनारदाना और जीरा। अच्छा अच्छा अदा दीदा दे मसाला दा ओ वक्त मैं कैसे इस्तेमाल हुई प्लस बाबे रादी और दादा जी बसुमरा से यो सारे बोली। अच्छा, तकरीबन एक एक बफेलो जो है ना एक रोज़ाना निकल जाता है जब एक ही फैमिली के सारे वो फैमिली है। अच्छा, जो सारे एक ही फैमिली के लोग हैं माशाल्लाह से। ये है जनाब अली तारू के कबाब। और अच्छा 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 अंडा कहते हैं कि नहीं डालते क्योंकि फिर अंडे का टेस्ट उसमें आ जाता है। नले पके चो यहाँ जो हड्डी का गूदा होता है वो डालते हैं बेसिकली इसमें। स्मेल बड़ी ज़बरदस्त है, मुंह में पानी आ रहा है इस वक्त। हाजी साहब किलो पशु थी 540 रुपये एक किलो। लेकिन इसमें ये होता है कि जानवर इधर ही काटते हैं और बिल्कुल सामने इनकी जो है ना अपने कुछ इनके साथी हैं वो सिर्फ जानवर काटने वाले होते हैं और कुछ कीमा बनाने वाले होते हैं और कुछ मैश करते हैं इस तरह से, और बाकी जो है ना। और जी सर तासो कबाब टाइमिंग से लगा सा टाइम शुरू की टाइम पूरी सर लगा सा टाइम सुबह 10:30 से शुरू होता है और फिर लेट नाइट तक ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो पूरा एक जानवर जो ना एक दिन में निकल जाता है और कभी कभार हाँ बल दुकान मख के हमने। अच्छा, पुराना ब्रांच जो है ना वो इससे आगे भी है और दोनों की लाइन में आते हैं और बेसिकली तारू एरिया है, तारू सीएनजी के बिल्कुल सामने। हाँ जी, अच्छा अच्छा, वो तारू स्टाफ के पास आता है और ये थोड़ा सा उससे पिशावर की तरफ जरा तारू वाला है तो तरना फार्म के बिल्कुल करीब आता है, तरना फार्म के बिल्कुल पास ही है ये जनाब अली तारू के बाप। हम लोग भी घर लेके जा रहे हैं और ज़बरदस्त रोटी में ज़्यादातर रखते हैं और घी वगैरह जो है ज़्यादातर घी भी यूज़ करते हैं, लेकिन जानवरों के जो अपना जो जानवर काट के उसमें से चर्बी निकलती है उसमें से अपना घी निकालते हैं, उसका टेस्ट और भी ज़्यादा डबल हो जाता है। ठंडा मौसम और गर्म गर्म कबाब जनाब अली तारू के मशहूर कबाब। हाजी परवेज साहब ये इस वक्त लग चुके हैं और हमारा ऑर्डर भी उस साइड पर, हमारे एक कज़न इफ्तिखार भाई खड़े हुए वो लाइन में खड़े हैं, वैसे लाइन देख रहे हैं इससे अंदाज़ा कर लेंगे कितनी डिमांड है। सामने गाड़ियाँ जो है ना वो तो स्पेशलिटी है कि फैमिलीज आती हैं, गाड़ी पार्क करें, ओपन पार्किंग है और फैमिली हॉल अलग है। ये जनाब ओपन सीटिंग एरिया और यहाँ पे स्पेशलिटी है कि यहाँ पे चारपाई पे लोग बैठते हैं, चेयर्स पे बैठना पसंद नहीं होता इनको, चारपाई में चार पाँच बंदे बैठ के और उसके बाद एक लेमू और सलाद और साथ में तारू की कबाब। ये यहाँ पे देख रहे हैं इनके सलाद जो है ना वो एक प्लेट कबाब दी दार होती थी कि दार सलाद दही दोबारा जोड़ो हुई किस साथ हुई और दा नारंज कम से ना राड़ी लेबू कम से ना मान के ना मान के ना मान के चलो। अच्छा 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 अच्छा, तो ये सलाद जो है ना सा सुनता ही सही है योजे है ना। अच्छा, ये एक ही और यो फैमिली ने टोल का ना फल को और दा यो तरन जगह तारू स्टाफ माने यो सा सुमे नगदे और बल तरना फार्म सर दे फार्म दाने ने बना चा सो सो आ जोड़ना दा दवाड़ा यो सा सुदा जी ना। खीरा और प्याज गाजर और मूली वगैरह और सबसे जो ज़बरदस्त मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कबाब के ऊपर डालना ये लींबू
इसके साथ जो टेस्ट निकलता है बड़ा इफेक्ट किस्म का और दे चटनी में देखा ना देख किस साथ है वो यार चटनी संग जुड़ी है ये किदम अमचूरे भी तो चा अमचूरा अच्छा और बाड़ी पाके अच्छा खुबानी हां और डड़े पुदीना सो बड़े मर चके सो मर चके जबरदस्त जबरदस्त हां हां अदम मतलब कबाब सर खाले शौक सर जबरदस्त जबरदस्त तजो नमस्ते बोल मामा डेर डेर मेहरबानी मोहम्मद भाई माशाल्लाह गर्म माहौल है यार मतलब मैंने फाइव स्टार होटल्स पे भी रश देखा हुआ है लेकिन तारू के कबाब जो है ना पिशावर की तरफ जाते हुए जो रास्ते में आता है इतना रश मतलब आप देख रहे हैं लोग जैसे बिल्कुल शादी पे लोग आते हैं और आते रहते हैं मतलब एक एक एक, एक चारपाई खाली नहीं होती कि चार बंदे और खड़े होते हैं उसको उसको बैठने के लिए तो तकरीबन 10-15 मिनट हमें हो चुके हैं यहाँ पे और 10-15 मिनट में यार कोई 100-150 बंदा आने जाने वाला ज़बरदस्त है मेहमानों को डिस्टर्ब नहीं करते दारू के कबाब मैं इसके ज़रा स्लोमो भी बनाता हूँ बड़ा मज़े का निकलेगा स्लोमो ओके गाइस हमारा पार्सल जो है रेडी हो चुका है तो हम इंजॉय करते हैं ज़रूर खाइएगा टेस्ट कीजिएगा दारू के कबाब बड़े मशहूर हैं थैंक यू वेरी मच एडवेंचर बाइकर्स एबी ग्रुप डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर